भारत दौरे पर आई हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। शेख हसीना का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी शेख हसीना। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौते होंगे और शेख हसीना का स्वागत समारोह भी इसी कड़ी में चल रहा है और 15 दिन के भीतर दूसरी बार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आई है। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के शेख हसीना भारत पहुंची थी और शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा वो बनी थी। जब 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रित किया गया था तो उसमें बांग्लादेश की पीएम का भी नाम, भूटान से, नेपाल से, मालदीव से, मॉरिशियस से, तमाम इन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। शेख हसीना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी 9 जून को। और इसके बाद अब एक बार फिर 15 दिन के भीतर शेख हसीना फिर भारत आई है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जल से जुड़े कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो कर नतीजों तक पहुंचने की बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत मित्रतापूर्ण समझौता रखता है। और ऐसे में जब शेख हसीना आई है भारत तो एक बार फिर जो दोनों देशों के संबंध है उन्हें और प्रगाढ़ करने पर फोकस रहेगा। इसको अलावा जल समझौते से जुड़े भी कुछ तार बताए जा रहे हैं जिसको लेकर के वार्तालाप हो सकता है। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौते होंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। शेख हसीना का जोरदार स्वागत की तैयारी। भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। शेख हसीना भारत दौरे पर आई हैं। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का जोरदार स्वागत की तैयारियां और इंतजार है तो द्विपक्षीय बैठकों का जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारियों की मौजूदगी होगी और कई समझौते पर नजर दोनों ही देशों। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जब दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 15 दिन के भीतर दूसरी बार भारत आई है बांग्लादेश की पीएम और बैठक के दौरान कई समझौते हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जल से जुड़े कुछ समझौते भी यहां हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश और ऐसे में जल से जुड़े कुछ समझौते, इसके अलावा दोनों देश किस तरह से अपने संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए भी आगे लेकर जाते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण बात होगी। व्यापार से जुड़े कई संबंधित मसले होंगे जिस पर चर्चा होगी। ऐसे में ये दौरा बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना का काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस लिहाज से भी इस दौरे की चर्चा है, क्योंकि 15 दिन के भीतर दूसरी बार भारत आई है, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा भी बनी थी और अब कई मौकों पर शेख हसीना भारत पहुंची है, चाहे G20 की बात हो या फिर अन्य मौकों की बात हो। भारत प्रगाढ़ संबंध मजबूत करने की बात लगातार बांग्लादेश के साथ और मैत्रीपूर्ण संबंध भारत के बांग्लादेश के साथ, इसी वजह से शेख हसीना पुनः पहुंची हैं और कई बैठकें चलने वाली हैं जिस पर वार्तालाप शेख हसीना के साथ होगा। दो तस्वीरें देखिएगा आप। बाएं तरफ एक तस्वीर जब स्वागत किया जा रहा था शेख हसीना का, दाएं तरफ तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब रिसीव किया उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का। रिसीव करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और रिसीव करके आगे उनके साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ। देखिएगा ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। शेख हसीना का स्वागत समारोह, भारतीय संस्कृति की झलक तो इस स्वागत समारोह में है ही, साथ ही साथ शेख हसीना के स्वागत समारोह में
किस ढंग से दोनों देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उन्हें और मजबूत करने पर फोकस रहने वाला है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली से सीधे तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में शेख हसीना को आप देख पा रहे हैं जिनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मोदी सरकार 3.0 और एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा उनका, क्योंकि इससे पहले तो शपथ ग्रहण में पहुंची थी लेकिन इस बार समझौते के लिहाज से आई हैं भारत दौरे पर।